हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट चैप्टर जो है हमारा 13, लाइट शेडो एंड इट्स रिफ्लेक्शन, तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट प्रीवियस क्लास में. लास्ट हमने इसके टॉपिक्स डिस्कस किए थे, कुछ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट्स. नाउ हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो पिन होल कैमरा है, कि व्हाट इज़ पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा जो है एक पिन साइज्ड, एक छोटा सा होल होता है एक बॉक्स में उसके एक सरफेस पर, और जो उसका सरफेस है दूसरी साइड्स पे ऐसा एक्ट करता है स्क्रीन. लाइक सी, आप देख सकते हैं इसमें कि आपका ये पिन होल कैमरा एक बॉक्स है पूरा, और इसमें वन साइडेड पे एक पिन होल छोटा सा एक होल है, और उसी की दूसरी साइड पे एक इमेज फॉर्म्ड हो रही है. सी, तो ये पिन होल कैमरा है. इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो आपकी पिन साइज्ड ही इमेज फॉर्म्ड होती है, और इमेज जो आपकी फॉर्म्ड होती है वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है. इन्वर्टेड इमेज फॉर्म क्यों होती है, क्योंकि देखिए लाइक ये हमारी एक रियल ऑब्जेक्ट है कैंडल, और आपको बताया था मैंने जो लाइट है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है, तो जिस देखिए अब सेंटर वाली जो लाइन है हमारी, सेंटर वाली लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन जो जा रही है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. और सिमिलरली जो हमारी जो सबसे ऊपर टिप वाली जो लाइट है वो बिल्कुल वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और डाउनवर्ड्स भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. बट पिन जो है हमारा वो बिल्कुल ही स्मॉल साइज का है, इसीलिए ये आपस में जाके बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होकर और फिर अंदर बॉक्स में जाके बिल्कुल रिफॉर्म्ड हो जाती है. इसी वजह से जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, और जो इस पे जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल इमेज फॉर्म होती है. क्यों? रियल इमेज वो इमेज होती है जिनको हम इजीली हम कैच कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेजेस वो होती है जिनको हम पकड़ नहीं सकते. सी, तो रियल इमेजेस जो होती है वो इजीली अगर आप पिन होल कैमरे को मूव करोगे तो जो इमेज है वो भी मूव करेगी. तो ये आपका पिन होल कैमरा का कॉन्सेप्ट था. नाउ डिड यू नो, में देखो एज अ कॉन्सेप्ट जो पिन होल कैमरा में है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो पुराना है. इसमें एक एंशियंट टेम्पल है हम्पी इंडिया में, जिसको विरूप शाह टेम्पल भी कहते हैं. ये इस टेम्पल के अंदर ऐसे स्मॉल स्मॉल रूम्स हैं जिनके अंदर पिन होल कैमरा का जो इफेक्टेड जो गिवन है, इसमें जो स्टोन्स है वो एज ए रिफॉर्म्ड किए हुए हैं जैसे कि ये बिल्कुल पिन होल कैमरा है, और उसी छोटे छोटे होल से जो लाइट्स एंड अंदर एमिट होती है और इमेज फॉर्म होती है. नाउ सी नेक्स्ट द अदर पेज, देयर इज अ टॉपिक ऑफ शेडो. व्हाट इज शेडो? आपको पता है शेडो को हम परछाई भी कहते हैं. शेडो जो है वो कैसे फॉर्म होती है? शेडो लाइक आपको पता है जो लाइट है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. ठीक है, तो जब हम लाइट के पाथवे में या लाइट के बिटवीन में उसके पाथवे में कोई बीच में कोई ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो लाइट को वहीं भी रोक देगा, और जो उसके पीछे जो इमेज हमारी फॉर्म होगी उसे हम बोलते हैं शेडो, जो डार्क इन शेप की होती है जिसमें कोई कलर नहीं होता, उसकी सिर्फ आपको एज अ आउटलाइन ही नज़र आएगी. ठीक है, सी इसका एग्जांपल आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास टॉर्च है. टॉर्च आपको पता है बिल्कुल स्प्रेड लाइट करती है. ठीक है, उसी के ही सेंटर पे जो क्या करा, एक बॉल रख दी गई. अब बॉल ने क्या करा, उसका बीच के सेंटर जो पाथवे था वो उसने रोक लिया, तो जो बिल्कुल जो उसके जस्ट पीछे जो बिहाइंड इमेज फॉर्म्ड हुई वो हमारी क्या हुई, शेडो. ठीक है, तो ये शेडो जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड होती है. अब शेडो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम. तो जो साइज़ है वो शेडो का वो डिपेंड करता है डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट से, कि लाइट से ऑब्जेक्ट जो है हमारा कितना पास रखा गया है, कितना दूर रखा गया है, और उसी के हिसाब से जो है इमेज फॉर्म भी होती है, यानी कि शेडो फॉर्म होती है. नाउ नेक्स्ट हमारे पास शेडो जो है ये हमेशा डार्क हो डार्क इन कलर में होती है, और ये डिपेंड नहीं होती और कलर्स पे और ऑब्जेक्ट्स पे. अब शेडो जो है वो डार्क ही क्यों होती है, आपको पता है जो ब्लैक कलर है वो सारे कलर्स को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो इमेज बनती है वो डार्क कलर की फॉर्म होती है. शेडो जो है उसकी जो शेप साइज़ आउटलाइन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल डिटेल्ड नहीं होती. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करते हैं एक शेडो बुक की है, उसकी सिर्फ हमें आउटलाइन नज़र आएगी, उस बुक का जो फ्रंट कवर है वो हमें नहीं दिखेगा, बुक का नेम क्या है वो हमें नहीं दिखेगा.
ठीक है, और ना इसका डिज़ाइन हमें दिखेगा, उसका सिर्फ हमें एक एक शेप ही नज़र आएगी कि बुक जो है वो किस तरीके की शेप की है। ठीक है, अगर हम इफ़ यू रिमूव द टॉर्च लाइट यू विल सी द शेडो डिसअपीयर, और अगर आप टॉर्च की जो लाइट है उसको रिमूव कर दोगे, उसको ऑफ कर दोगे, तो आप देखो कि जो शेडो है हमारी वो डिसअपीयर है, मीन्स बनना ही बंद हो गई है। हम सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। सो इसमें आप देखिए हमारे पास थ्री थिंग्स है ऐसे जो शेडो के लिए रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ लाइट, अगर सोर्स अगर लाइट ही नहीं होगी तो शेडो जो है वो नहीं फॉर्म होगी। एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसके लिए, यानी जिसमें से लाइट जो है वो पास ना हो, और एक एज अ स्क्रीन जिसके ऊपर जो हमारी शेडो है वो फॉर्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समर्स के टाइम पे या फिर जब सन जब निकल जाता है पूरी तरीके से, तो आप सपोज़ करो आप एक ग्राउंड में खड़े हो, तो आपके पास तीनों चीज़ें हैं, सन आपके पास सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो आप खुद हो गए, और स्क्रीन जो है वो आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। ठीक है, तो शेडो बनने के लिए थ्री चीज़ें जो है वो नीड में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के बारे में कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो है वो क्या होती है। रिफ्लेक्टिंग सर्फेस वो होता है जिसमें से जो लाइट है वो हमारी बाउंस करके फॉल होती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। अब जो ये सर्फेस है वो इरेगुलर भी हो सकता है और रेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर जो आपका सर्फेस होगा उसको हम स्मूथ सर्फेस का नाम देंगे, और जो इरेगुलर सर्फेस होगा उसको हम रफ सर्फेस का नाम देंगे। ऐसा क्यों आपको पता है? नेक्स्ट अगर हम इमेज में बात करते हैं, इस इमेज में तो आपका ये स्मूथ रिफ्लेक्शन है, ये आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो स्मूथ आपको पता है जो लाइट है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल तो करती ही करती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जैसे ही लाइट अगर आपके पास बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस है तो लाइट जैसे ही ट्रैवल कर रही है वही सेम आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी वो भी बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। अब नाउ डिफ्यूज्ड में आप देखो आपका जो सरफेस है वही आपका डिफ्यूज्ड है, मीन्स रफ सरफेस है। अब आपकी जो इंसिडेंट जो रे जा रही है यानी कि जहाँ से आप जो लाइट्स फॉल ऑफ हो रही है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बट जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जो जा रही है वो आपकी थोड़ी सी डिसमैच्ड है, तो ये आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। ठीक है, स्मूथ सरफेस जो है उस पर कोई बम्स नहीं नज़र आएंगे आपको, कोई अनइवननेस नज़र या नहीं आएगी आपको, और जो रेज हैं आपकी बिल्कुल पैरलर ही फॉर्म होंगी, रिफ्लेक्टेड भी आपको बिल्कुल पैरलर ही फॉर्म होंगी, बिल्कुल ऑर्डरली मैनर में होगी। ठीक है, बट अगर मैं बात करती हूँ आपके रफ सरफेस की, तो रफ सरफेस पर जो है एक अनइवन सरफेस होगा उसके ऊपर कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस पे, जो आपकी इमेज जो आपकी इंसिडेंट रे जो फॉल ऑफ हो रही है वही आपकी रिफ्लेक्टेड रे से डिफर करेगी। सी, तो नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस क्या आता है कि डिफरेंस बिटवीन द शेडो एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड इमेज। शेडो जो है आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ आउटलाइन बताएगी, बट जो इमेज है वो पूरी डिटेल्स बताएगी आपको, किसका ऑब्जेक्ट क्या है, लाइन क्या है, कलर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है जो शेडो है वो ऑलवेज ब्लैक इन कलर होती है। ठीक है, इमेज जो है आपकी वो आपको ऑब्जेक्ट का कलर शो करके दिखाएगी। नेक्स्ट, शेडो जो है आपका वो आपका एक लेटरल इन्वर्जन, इट डू नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन, और जो आपका इमेज में है वो आपकी क्या है, इट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन दैट इज़ लेफ्ट राइट रिवर्सिबल। इसमें क्या है, जो आपकी इमेज जो फॉर्म होगी वो आपकी लेफ्ट राइट रिवर्सल यानी कि बिल्कुल उल्टी इमेज नज़र आएगी। ठीक है, बट शेडो के अंदर सा कुछ नहीं हो, तो शेडो के अंदर ना ही हमें वो रिवर्सिबल दिखती है ना ही वो हमें लेटरल दिखती है, शेडो के अंदर सिर्फ हमें सिर्फ एक ब्लैक सा ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ये डिफरेंस था। चैप्टर जो है हमारा वो इसी के साथ ख़त्म होता है। इन केस आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में कोई भी इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हो, और चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना।